हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशा ठाकुर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रिएक्शन वीडियो। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और एक प्रैंक वीडियो है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होगे, बैकग्राउंड नोटिस कर रहे होगे, तो बैकग्राउंड बहुत अलग है क्योंकि मैं गाँव से वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों के लिए जो स्पेशली मैंने यहाँ पर सोचा कि वो ना गाँव से कुछ अलग टाइप का कुछ करके बनाएं, तो आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। और ये जो हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले है, ये आरजे पूरब की एक प्रैंक वीडियोस है, तो इस पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हमें है? दादा जी आ जाओ, एक मिनट सुनो, इधर रुको। कार फूलिंग मसाला खिला देना यार, तुम तो ऐसी बात कर देते हो। क्या पैसा एकदम गलती ये है, बिना पूछे आके मार रहा है, इससे बंद होता है दम से। है ये तो चला जाए, बोलो रेडी स्टडी को। रेडी स्टडी को। गन्ने जूस पियोगे? गर्मी के मारे नहीं सूट कर रहा, सूट नहीं करता। अगर गर्म मौसम शरीर रहता मानो, और ठंडू अगर पी ली तो खराब हो जाए। बर्फ नहीं डलवाते यार, ये सही भी नहीं है। ये बर्फ लाता पोस्टमार्टम हाउस से, खराब लाता बर्फ। वो पहन लो सीट बेल्ट, आगे नहीं तो मामा हमारा खड़ा है। हाँ, मामा खड़ा है, वो कहेगा लाओ पैसा। सीट बेल्ट कैसे पहन रहा है? ऐसे उसको तो बेवकूफ बना लोगे, हमको नहीं बना पाओगे। ये लगी थोड़ी है। ये देखो बीप बीप कर रही है। लगी नहीं, नहीं लाओ दिखाओ। इस गाड़ी में जो बैठा है सीट बेल्ट लगाना सीख गया। बात तो सही है, शी लग गई। अब है, अब निकल नहीं सकता। अब आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई क्योंकि वो कह रही थी भाई साहब पहन लो नहीं तो मामला गड़बड़ी आ सकता। इससे क्या आदमी भग नहीं सकता, मतलब इधर उधर। हाँ, इधर उधर नहीं होगा। तो क्या नाम रखता भैया अपना? राधे श्याम। राधे श्याम जी, बहुत चौकस। राधे श्याम जी, मसाला कब से खा रहे हैं? मसाला तो अंकल जी, अंकल जी अंकल भैया अंकल बाल कम है तो मतलब हमको तो ऐसा बना दियो यार। अरे देखो, अगर आपकी सही उम्र में शादी हो जाती तो वहाँ जितना लंबा होता है कि नहीं? वह तो बात है। हाँ, तो अंकल जी बोल लिया, भाई बोल ले, छोटा भाई बोल ले। कब से खा रहे हो मसाला? खा रहे करीबन 15 साल से। लगभग कितने रुपए का मसाला खा गए? मतलब कभी कभार खाते, केवल अपनी जा खाते। तमाकू जो झंडा वाली है, पोखरा वाली। झंडा वाली तमाकू? इसमें कौन सी झंडा वाली? झंडा वाली पोखरा वाली नहीं है। हम खाते नहीं ना भाई साहब, हम तो बस खाते मार्का मार्का, यही खाते ज्यादा। और कभी कभार जैसे कोई मिल गया, तुम आप यार दोस्त मिल गया जेब्रा क्रॉसिंग बन गई। जो कचरा लगो वो काट दे। अच्छा, ये कचड़ा साफ कर देता दांत का? या मैं चूना की वजह से साफ करा। अच्छा, तो ये मंजन हुआ एक तरीके। तो मंजन ही समझो चूना, लेकिन जो पुड़िया है वहाँ में कचड़ा भर जाता है। दांत से दबाओ वो अगर साफ ना करो तो वो ही खराब करे। पुड़िया खराब करती है, ये दांत साफ कर देता। या तो सफाई रखा दे, कीटाणु नहीं लगेगा। वो खुदा ही कीटाणु है तो कहाँ दूसरा कीटाणु लगेगा, वो बड़ा वाला कीटाणु। लेकिन मुंह का तो भाई साहब एकदम जो है सामुदायिक शौचालय बन जाता है। ओह गॉड, मैं हंस हंस से पागल हो जाऊंगी यार। चार नहीं जाएंगे, ट्राई कियो कभी, करो एक बार। चौथी फंसी रह जाएगा हाथ पे, निकले नहीं जाएंगे। क्या बाल बच्चे? दो बिटिया, दो बच्चा। दो बिटिया, दो बच्चा। दो लड़के, चार है टोटल। चार, अभी पांचवे की भी तैयारी। तो अब तो कुल दिन से बंद है।
है? दस साल 12 साल को बच्चा है छोटे वाले। अच्छा वाला हम कहे कुछ दिन से बंद है, अभी कुछ दिन से बंद है, मैं कहा फिर आ रहा है कोई। 12 साल है। 12 साल? हाँ तो राधे श्याम भैया हम बड़ा मानसिक उसमें चल रहे हैं, मतलब टेंशन। ऐसी कौन सी बात? ऐसी बात ये है कि हमारी जो बुआ है ना हमारे साथ रहती है, जॉइंट फैमिली, मतलब इनको जो है शुरू से बचपन से नींबू का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ नींबू चाहिए, नींबू चाहे चाटे चाहे लगाए चाहे खोपड़ी में लगाए चाहे कुछ करें, लेकिन नींबू चाहिए। नींबू ग्रेड देख ही रहे, 10 रुपए का एक है। अरे 15-15 रुपए हमने लाग दिए रात में नींबू भैया, 10 रुपए तो छोड़ो, हमने 15-15 रुपए नींबू लेके आए। तो इनको जोड़ी में नींबू चाहिए होते हाँ, तो हमने एक नींबू का तो इंतजाम कर लिया, दूसरा हमने तोड़ लिया गाड़ी के आगे से, जो मिर्चा नींबू नहीं बना रही था भाई साहब, उससे तोड़ लिया हमने एक नींबू। हमने कहूं देख रहा यहाँ सड़ी जाएगा पड़ा पड़ा। अब वो तोड़ तो लिया, जब बाद में हमने देखा गाड़ी कौन सी है, तो गाड़ी मालूम कौन सी थी, ऊपर गाड़ी में जानते क्या लिखा था? लाश के वास्ते। समझ गया? अब हमने कहा हमने को ये सब मानते नहीं है, भूत वो तलाक दिखाना, हम हमको तो रात में दिख गया, हम घंटा बंटा मानते हैं कोई सब ठीक है, तो हम कभी विश्वास करते नहीं है। हमने इनको लाके दे दिया, हमने लियो लियो, और ये जो है परसों रात में सिकंजी बना के सिकंजी बना के पी। और इसके बाद पता क्या हुआ, कल हमारे घर में आया था मटन बनने के लिए, तो ये बनाती बहुत बढ़िया मटन बुआ हमारी। अच्छा। हमने बुआ को बोला, हमने बुआ ये अपना मटन बना देना, बोली ठीक है कल तुमको खिलाएंगे। अब हम रात में उठे 1:30 बजे, तो हमारे घर के बाहर इसे छज्जा बना है। तो बुआ को राधे श्याम भैया क्या देख रहे हैं, छज्जे पे बैठी कच्चा मटन खा रही, कच्चा इसे पकड़ के चाप कच्चा मटन और खा रही, और बाल सब आगे। अब यार कोई भी होगा तो उसकी तो इसकी हवा टाइट हो गई। वो खाली बनाती है, खाती नहीं है, वो खाली तरी तरी खाती है, छूती नहीं है, वो तो हमारे ये बना देती है। अब वो खा रही, हमने उठाया सबको, हमने देखो बुआ क्या हो गया, देखो देखो, तो थोड़ा पानी यानी इसे छिड़का गया, तो उसके बाद जो है ये अपना थोड़ी उल्ला उल्ला किया इन्होंने, फिर मंजन अंजन किया, बोली पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, होश में आई। अब ये कैसे हो गया साला हमको समझ में नहीं आ रहा, उसी नींबू के कारण हवा। अब वो जिस गाड़ी से था वो भी थी ना लाश के आस्ते, पता नहीं किसकी कैसी हवा लगी हो, किसकी कैसी हवा लगी, यही मामला रहा। तो आज हम पूरा दिन इसी में परेशान रहे। तो हमारे इधर झांसी साइड में एक बाबा रहते हैं हमारे, मतलब हमारा घरेलू है उनसे, बहुत पुराने हमारे, जब हम इतने छोटे थे ना तब से हैं वो, तो हमारी मम्मी को उन्होंने पहले बता दिया था कि हम आने वाले, तो उनको ये बात बताई गई, तो उन्होंने फिर एक उपाय बताया उनको, वैसे हम लोग वो कहते हैं बाबा नोचू बाबा नोचू, तो बाबा नोचू ने उपाय बताया कि बाहर का कोई आदमी हो, घर का ना हो, उसको लेकर आओ और उसके यहाँ नींबू माथे पे अपनी बुआ से कटवाओ, खत्म, मतलब बुआ काटे सूरज ढलने से पहले, तो इनमें से उतर जाएगा। तो इस अभियान में, मतलब इस प्रोजेक्ट में, इस मिशन में जैसे आप हमारे साथ जुड़ गए, तो आपकी हमको मदद चाहिए होगी, इसीलिए हमने वहाँ पे आपको हाथ दिया था। तो भाई साहब हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली रखेंगे दो नींबू, हम भाई साहब नहीं जाएंगे, यहाँ खाली दो नींबू, हम दवाई लें अपने घर। तो ये भी आप किसी दवा करें, ये जो है ये भी इलाज है एक तरह से, हम नहीं जाएंगे,
लगता है। सही बात, हम दवाई लेंगे। चाचा की 15-15 रुपए के बिना दाग के 2 नींबू लिए, बिल्कुल सफेद। मैं बोला था कोई नींबू दाग नहीं होना चाहिए, तो साफ नींबू बिल्कुल हम पीछे ले लिए। आपको थोड़ी देर बैठना है, यहाँ नींबू रखेंगे, उनका जब मन करेगा बुआ का, मतलब वो अभी होश में नहीं है अपने, वो अपना जैसे नींबू यहाँ काटेंगी तब वो टल जाएगा। अब करने को तो हम भी कर ले, लेकिन वो कह रहा है घर का आदमी नहीं चाहिए, बाहर का आदमी चाहिए। भाई साहब, तो इसीलिए हमने आपसे नाम हम पूछ लिया, जैसे आपने बताया राधे श्याम, तो हमने कहा राधे श्याम जी, तो फिर नाम भी वैसा ना, परमात्मा से जुड़ा हुआ। भाई साहब हमारा नींबू खराब हो जाएगा, माना करो। 15-15 रुपए 2 नींबू लिए, थोड़ी देर की बात है भाई, नींबू कटवा देना यार भाई जी। ना हम नहीं जाए, राधे श्याम भैया चिल्ला दिए हम, आज तत्काल चिल्ला दिए भाई साहब। राधे श्याम जी आप बात नहीं समझ रहे, अपने हम किसी की मदद करो भाई साहब, हमें जबरदस्ती ले जा भाई साहब। सुनो तो राधे श्याम अंकल जी, राधे श्याम जी अंकल जी आ जाओ, बात मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, आ जाओ आ जाओ, हमको मदद की राधे श्याम जी, वो हम नहीं उधर रहना, हमें आ जाओ। एक मिनट सुनो, इधर रुको सुनो, आ जाओ हम नहीं जाए, देखो गलत बात नहीं, हम नहीं जाए, हम तुम मेरी बात नहीं सुनो, हमारी बुआ जो है, देखो भाई साहब हमारे 5 वाले हम नहीं जाए अंकल जी, हमारी बुआ से मदद कर लो भाई साहब, वो नींबू तुम रख लेना, हमको नहीं चाहिए, नींबू ले जाना, हम नहीं जाए, हम नहीं जाए, दो नींबू तुम्हारे साहब, हम नहीं जाए आप पर, भाई धोखा दे रहे हो आप, 5 वाले तुम्हारे, लेकिन हम नहीं जाए हम, आप ये धोखा हो गया भाई, ये तो धोखा रहा था भैया, भाई साहब हमारे खोल दो खिड़की, यही भाई सूरज पहले नहीं जाए भाई, सूरज डल जाएगा, ना ना है ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, यही कटवाओ, यही काट, हम नहीं जाएंगे, यही तुम्हारे 5 है, हम नहीं जाएंगे, हम 5 छू रहे हैं, हमारी मदद करो, ना ना हमारी मदद नहीं, वो कच्चा नहीं खा रहे हैं भाई, वो ये ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा, खोल दे, हम तुम्हारे 5 है, अब हम नहीं जाएंगे, हैं ना, ये काम नहीं, हम क्या करें, हम अब तुम अपने पड़ोसी का गाँव से ले लो, हम नहीं जाएंगे भाई, पड़ोसी जान पहचान का होगा ना, उसने बोला बिल्कुल अनजान आदमी जो अंकल जी है ना, हम नहीं जाए, हम बोले हम देखो अंकल जी हेला लेंगे, हम नहीं आ पाएंगे, हम फिर नंबर लगा दी तो फिर पुलिस का वहाँ बुला ले, वो छोड़ भी देगी आगे तो भाई, तो हमें नहीं जाए अंकल जी, कुछ करो हम, तो बोलो फिर बाबा कैंसिल, अब हम कुछ करो बोलो भैया, कैंसिल बाबा कैंसिल, बोलो नोचू बाबा, नोचू बाबा बोलो, कस के बोलो कि उनको सुनाई दे, बोलो नोचू बाबा कैंसिल, नोचू बाबा, नोचू बाबा, नोचू बाबा, नोचू बाबा कैंसिल, कैंसिल, बोलो हमसे माफी करते हो, 5 बजे तुम्हारे हमसे, बोलो हम नहीं कर पाएंगे ये काम, हम नहीं कर पाएंगे काम, दूसरा कोई आदमी पकड़ लो, कोई भगवान पकड़ लो, भगवान, अब रुको सुनने दो, कुछ कह रहे हैं भगवान जी, जी ठीक, वो कह रहे एक कटवा दो, हम नहीं जा ही नहीं सका, कुछ करो ना, एक कह रहे हैं आप उसकी वो कर दिया ना, हम नहीं, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, हम जाए ही नहीं है? अब हम नहीं जाए, देखो ये गाड़ी अपने चल रही, हमने अपने आप बुला रहे, हम नहीं, अपनी तरफ बुला रहे, खुद ही देखो अंकल जी, हम नहीं जाए, कुछ हो जाए, राधे श्याम जी की धोखा दे दिया भाई, राधे आके मारा, उनको बुला ले, वो साथ में बैठ जाएंगे, वो भी है? हम नहीं जाए, आप कहूँ हम जाए नहीं, बस राधे श्याम जी आप समझ नहीं रहे हमारी बात, समझ नहीं ले, वो कच्चा हमें जान दे, बस निकल जान दे, फिर घबरा रहे हो, हम बहुत डरा रहे हैं, बहुत ही जी रहा हूँ, बहुत डरा रहा हूँ, बहुत नया की बहुत जी रहा हूँ, ऐसे किसी के साथ भी बैठ जाते हो अनजान आदमी के साथ, फिर हम एक हमने की भाई साहब चल रहे है, तो भाई साहब सही लग रहे थे एकदम, अरे हम कर ले तो आए थे ऐसे, कर लू कल, हाँ कल वाला सही था, कल मोटरसाइकिल पाए थे, वो सही था बढ़िया, उन्होंने पुड़ियों तक नहीं खाई, उन्होंने पुड़िया खा ली नहीं खाई, हमको पुड़िया खिला दो, अब तुम ना ही कर रहे तो हम क्या करें, वो खा रहे तो हम दुकान लगे लेके खवाए देंगे, बाबा नोचो वो कह रहे इसका, इसका बोलो मसाला खाना कह रहा कम करो, हाँ कर दिया, कर दो पक्का, और विद्या रानी कसम, विद्या रानी नाटी बॉय हो गया अगर नहीं कम किए तो, सुनो मजाक कर रहे थे, ये कैमरा लगा है, हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, जो ऐसे अनजान आदमी बढ़ जाता ना किसी के साथ, उसके साथ वीडियो बनाते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबरा गए थे, अच्छा अब आपके लिए कुछ है हमारे पास, है कहीं नहीं चाहिए, बिना मेहनत के, ये मेहनत का नहीं, ये आपका, ये दोनों आपके, ये एक नहीं दोनों, ऐसे ना क्या करो, हमसे बहुत बड़े बाबा ना, बराबर के हैं, ना का 2 साल कम जीता तो बराबरी मानी जाए, बराबर है भाई, चलो ध्यान से जाना, और कल को उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और आपको गाड़ी में घुमाए, उनको पढ़ा लिखा रहे हो ना, पढ़ा रहे, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उनकी गाड़ी में घूमना है ना, तो क्या सोचे नींबू
कटवा देते कि नहीं कटवाते? हम तो न जाते चाहे गाड़ी, हमें स्टीयरिंग पकड़ने पर तो दम तो बहुत है, लेकिन हम दम का इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आज जरूरत पड़ जाती करने, पड़ जाती है। मसाला कम कर दो नहीं दम खत्म हो जाएगा, है ना। अब चार बच्चे पैदा कर लिए और कितना दम चाहिए अभी, है ना। क्या चीज आप कभी नहीं ऐसा गलती हो। अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत मजा आई। और आप देख सकते हो थोड़ा बैकग्राउंड में अंधेरा हो गया क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई। वीडियो में इतनी ज़्यादा मुझे हंसी आई, इतनी ज़्यादा हंसी आई है कि मतलब बता नहीं सकते। मेरे आंसू आने लगे हंसते हंसते, और मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों ने अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रिएक्शन वीडियो के साथ। आप कमेंट में बता सकते हो कौन सी वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हो। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।